आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिस ऑफ द लोशो ग्रिड. ठीक है, अब हमारा एक जो लाइक आई टोल्ड यू एक अध्याय एक चैप्टर जो था सिफेरियल ग्रिड का वो फिनिश हो गया है. उसमें हमने पर्सन के सारे योगा जाने कि उनकी लाइफ में उनका टेम्परमेंट और प्लैनेट्स की उनकी क्या पोजिशनिंग है, कितनी स्ट्रेंथ है प्लैनेट्स की, उसके बेसिस पे आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं. अब हम लोग थोड़ा और आगे जा रहे हैं, एडवांस लेवल पे जा रहे हैं. अब हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल नहीं देखेंगे, अब हम लोग इंडिविजुअल की एक डायरेक्शनल अंक कुंडली बनाएंगे कि कौन सी डायरेक्शन बेस्ड ऑन द मिसिंग नंबर्स एंड रेकरिंग नंबर्स कौन सी उनकी लाइफ की डायरेक्शंस और एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगी. एस्पेक्ट्स मतलब जैसे मैरिड लाइफ हो गई, उनकी प्रॉपर्टी हो गई, उनका पीस ऑफ माइंड हो गया, वेरियस एस्पेक्ट्स कहाँ पर उनको नेचुरली वो फुलफिल्ड है और कहाँ पर उनको जो है वो लैक हो सकती है, कमी महसूस हो सकती है, और उसके बेसिस पे हम लोग जो है लोशो ग्रिड पे रेमेडीज देते हैं. और लोशो ग्रिड पे इम्पोर्टेंट और भी होता है कि हमारी डायरेक्शंस होती है. ये जो आप देख रहे हैं यू कैन सी द इमेज ऑफ अ टॉर्टोइज हियर. ठीक है, ये बेसिस है लोशो ग्रिड का, ये एक उसका आप कह सकते हो फेस ऑफ द लोशो ग्रिड है, क्योंकि ये आपने देखा होगा बहुत बड़ी. और जो हमारी फेंगशुई होती है उसमें ये जो टर्टल होता है ये बहुत ऑस्पिशियस भी माना जाता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए माना जाता है. तो इसका क्या बेसिस है, यहाँ से ये इसको हम लोग ईस्टर्न न्यूमरोलॉजी कहते हैं, ओरिएंटल मेथड है या ईस्टर्न मेथड है, इसका बेसिस मैं ले करूंगी आज. और दूसरी चीज, हम लोग आज पुआ नंबर की कैलकुलेशन सीखेंगे. प्लीज आप लोग माइक सबसे म्यूट कर लीजिए. कुआ नंबर की कैलकुलेशन सीखेंगे. कुआ नंबर इज योर लकी डायरेक्शन. तो इस वीक में जब आपको अपनी लकी डायरेक्शन पता चल जाएगी, वो एक कैलकुलेशन होती है, तो आप लोग अपना सारे के सारे काम ना, मतलब यू कैन स्टार्ट राइट अवे कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना सोना, अपना खाना, हर चीज जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी आपकी, वो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं. तो इन अ वे ना जो लोशो ग्रिड है वो आपकी खुद की इंडिविजुअल एक वास्तु मैप बनेगा. लेट मी पुट इट लाइक दिस कि लोशो ग्रिड जो है वो बेसिकली इंडिविजुअली, ये कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा, लोशो ग्रिड एक अलग से सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन मैं आपको इसको इस तरीके से टीच कर रही हूँ. और एंड आई वांट यू टू स्टार्ट यूजिंग इट लाइक दिस बिकॉज आई एम ऑल्सो अ वास्तु शास्त्री. सो व्हेन आई सी कि पॉइंट्स सारे इंटर रिलेटेड है, तो क्यों ना हम लोग उसको उस तरीके से ही यूज करें कि आपको उसका बेनिफिट मिले और अपने क्लाइंट्स को भी कुछ थोड़ा सा यूनिक दे पाए. ठीक है, तो इसको हम लोग इंडिविजुअल वास्तु मैप कहेंगे. अभी तक हमने क्या किया था, अंक कुंडली बनाई थी, इसमें भी अंक कुंडली बनेगी. इसमें भी आप देख रहे हो सेटिंग नंबर्स की वैसे ही. ठीक है, इसमें भी हम लोग अंक कुंडली बनाएंगे बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ, लेकिन इट्स इजियर एंड वी डोंट जस्ट स्टे देयर, वी गो बियॉन्ड दैट. ओके, सो इंडिविजुअल वास्तु मैप है ऑफ अ पर्सन. और इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि वास्तु का, जैसे हम लोग किसी का घर में वास्तु प्लान बनाते हैं, तो वो वास्तु या तो हम लोग घर के ओनर के हिसाब से बनाते हैं, जनरली एक ही पर्सन होता है ना जिसके हॉरोस्कोप के हिसाब से आप वास्तु करते हो, या फिर आप क्या करते हो, आप जनरल रूल्स फॉलो करते हो वास्तु के, कि नॉर्थ ईस्ट जो है वहां पर हमारा लो लाइंग एरिया होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट वाटर जोन है तो वहां पर आपको कोई वाटर फाउंटेन रखा होना चाहिए. सो वी यूज वेरी जनरल रूल्स इन वास्तु. थिंग इज दैट वास्तु में आप जनरल रूल्स जब लगाते हो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज गोइंग टू बेनिफिट ऑल द पीपल लिविंग इन दैट हाउस. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, बिकॉज हो सकता है उनके लिए नॉर्थ ईस्ट जो है वो लो लाइंग नहीं होनी चाहिए, उनके लिए नॉर्थ ईस्ट ब्लॉकेटेड होनी चाहिए. इट्स पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप है ना, तो उनको वो बेनिफिट नहीं करेगा, बल्कि उनको लॉसेज होने स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद, जब आप कोई वास्तु का वो करोगे, रेमेडी दोगे वास्तु की. तो इसीलिए जितना वास्तु शास्त्र बहुत अच्छा है, बहुत प्राचीन है, इट्स एन एंशियंट एंड सीक्रेट साइंस, बट इट इज नॉट मेड एज पर द कस्टमाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल. व्हाट वी आर डूइंग इज वी विल मेक अ लोशो ग्रिड फॉर ईच इंडिविजुअल लिविंग इन द हाउस, एंड यू विल कम टू नो कि उस पर्सन की कौन सी डायरेक्शन में आपको रेमेडीज करने की जरूरत है उस पर्सन के बेनिफिट के लिए. ठीक है, सो इट्स मच मोर इंडिविजुअल एंड कस्टमाइज्ड. नाउ सो व्हाट इज अ लोशो ग्रिड. लोशो ग्रिड जो है ये एंशियंट ओरिएंटल मेथड है. इसकी जो बर्थ हुई थी या ओरिजिन हुआ था वो चाइना में माना जाता है, लेकिन आज के डेट में द इंटायर ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज फॉलोइंग द लोशो ग्रिड. एवरीथिंग व्हिच इज नॉट वेस्टर्न इज फॉलोइंग लोशो ग्रिड, एंड लोशो ग्रिड इज अ बिग रेज. इट्स नाउ अ कल्ट रेज इवन इन द अमेरिकाज. Okay, so they are now known as a Losho grid. So you should know what it is and you should go into the depth of it, and it's very interesting.
क्योंकि इसके बेसिस पे आप घर का वास्तु भी कर सकते हो। अगर आपने वास्तु नहीं भी किया तो भी आपको इससे बहुत नॉलेज मिल जाएगी, और इसके बेसिस पे आप मैच मेकिंग भी कर सकते हो, इसके बेसिस पे आप किसी के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये इसका, ये जो टॉर्टोइज है ये इसका सेंट्रल एक आइकॉन है, ठीक है, इसको आइकन मान के चलो। और ये नंबर्स का जो सीक्वेंस लिखा हुआ है 4923578 16, इसको बना लो अपनी नोटबुक के ऊपर, क्योंकि दिस इज द टेम्पलेट वी आर गोइंग टू यूज इन द लोशो ग्रिड। नाउ फॉर सम टाइम प्लीज कीप असाइड द सिफेरियल ग्रिड, वो हो गया है। उसके बेसिस पे हमने जो जो भी योगाज थे, आप आई होप आप लोग हर इंडिविजुअल के योगाज आपने लिख लिए हैं, ठीक है, कि आपका ट्रायंगुलर बना, आपका पेयरिंग बनी, आपका चतुर्भुज बना, जो भी बना लिख के रख लो, अभी के लिए उसको रख लो। अब हम क्या करेंगे, उसको और इन्फॉर्मेशन देंगे उसकी लाइफ के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाली इसके बारे में, लोशो ग्रिड। देखिए लोशो ग्रिड मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूं कि लोशो ग्रिड कहाँ से ओरिजिन हुई। चाइना में, एंशियंट चाइना में जो थी लो नाम की एक बहुत माइटी रिवर थी, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ एक वन ऑफ द मेजर रिवर्स होती है, लो एक रिवर थी। और ये उस टाइम की बात है, दिस इज समवेयर इवन बिफोर बीसी, ओके, समवेयर अराउंड 500 BC और सो, 500 से 1000 BC के बीच में इसका टाइमिंग माना जाता है। और उस टाइम के ऊपर लो रिवर जो थी वो वहां पर, मतलब बहुत सारे लार्ज पार्ट ऑफ द चाइनीज प्लेन वॉज इरिगेटेड बाय दैट लो रिवर। एंड लो रिवर जो थी, क्योंकि इकोनॉमी तब एग्रीकल्चरल थी तो आपके फैक्ट्रीज और ये सब तो था नहीं, तो ज्यादातर जो थे वहां पे फार्म्स ही होते थे। तो व्हेन इट यूज्ड टू फ्लड, इट वाज फ्लडिंग अ लॉट, सो व्हेन इट यूज्ड टू फ्लड अ लॉट, वहां पे सारे के सारे फार्म्स जो थे ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। सो एज अ रिजल्ट द इकोनॉमी यूज्ड टू गेट रुइंड। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट द किंग ऑफ दैट टाइम, ओके, ही वाज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। तो किंग ने और साथ में जो वहां के स्पिरिचुअल हेड थे उन्होंने बैठ के वहां पर तपस्या करी उस नदी के पास। और जिस तरीके से हम लोगों का प्राचीन, आपने पौराणिक सुना है कि हमारे यहाँ पे समुद्र मंथन हुआ था, उसी प्रकार से क्या हुआ कि वो रिवर जो थी, बिकॉज रिवर जो थी वहां पे वो माइटी थी, उसको देवी के रूप में पूजा जाता था। सो व्हाट हैपेंड वाज दे स्टार्टेड पैसिफाइंग द रिवर, सो दे डिड लॉट ऑफ रिचुअल्स एंड ऑल फॉर पैसिफाइंग दैट रिवर, कि भाई शांति हो जाओ और आराम से बहो और हमारे को प्रोस्पेरिटी दो, हमारी क्रॉप्स को बर्बाद मत करो। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट द रिवर गॉड हर्ड देयर प्रेयर्स, एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट अ टर्टल, अ माइटी टर्टल, ही इमर्ज्ड फ्रॉम द वाटर। जैसे हम लोगों के अंदर से निकला था कच्छप अवतार, उसी प्रकार से वो कच्छप अवतार जो है वो बाहर निकला। और उसकी जो बैक थी ना, द बैक ऑफ अ टर्टल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट ऑफ The world, because जो back होती है ना वो stability का प्रतीक होती है। जो turtle की back होती है वो stability और prosperity लाती है। और उसपे क्या हुआ कि उसपे ना dots indicated थे, dot dot। तो जहां उस tortoise का head था उसके just नीचे, ये जो अगर आप figure देखोगे ध्यान से तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है 492, ठीक है, 492। तो जहां पर उनका head था वहां पर इनको 9 dots मिली। वहां पर इनको 9 dots मिली, ठीक है। यहां पर राइट साइड पे, राइट शोल्डर पे 2 dots मिली, लेफ्ट पे 4 dots मिली। तो डॉट्स थी इस तरीके की ना, प्रॉपर डॉट्स थी। ऑफकोर्स नंबर्स आपको ऐसे लिखे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन डॉट्स थे। और बीच में था 5 dots। तो सेंट्रल जो पोर्शन होता है टर्टल की, उसका बैक का, दैट इज सपोज टू बी द मोस्ट पावरफुल, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रेज्ड होता है। तो वो जो है हमारा 5 जो है, इट बिकम्स द फॉर्च्यून नंबर। व्हेन वी टॉक अबाउट द लोशो ग्रिड, 5 इज कंसिडर्ड द सेंट्रल नंबर और द ब्रह्म स्थान ऑफ दिस इंटायर ग्रिड। ब्रह्म स्थान का मतलब होता है सारी तरफ से एनर्जीज जहां पे कन्वर्ज करके मैक्सिमाइज्ड होती है। इसलिए ट्रेडिशनल वास्तु में भी ब्रह्म स्थान को हमेशा कहा जाता है कि खाली और पवित्र रखिए, उसको क्राउड मत करिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा श्री या सबसे ज्यादा ऑस्पिशियसनेस होती है। तो वहां पे जरूर जो है उस प्लेस में सर्कुलेशन ऑफ ची जो होती है, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट एक इंट्रोड्यूस करेंगे ची का। ची मीन्स द एनर्जी, इट्स नोन एज ची, इट्स नोन एज प्राणवायु, इट इज नोन एज द कॉस्मिक वाइट लाइट,
इट्स ऑल द सेम थिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. प्राण वायु हम लोग बोलते हैं उसको, कॉस्मिक व्हाइट लाइट या यूनिवर्सल व्हाइट लाइट, उसको यूनिवर्सली जाना जाता है. एंड ची इज नोन एज द एनर्जी इन द चाइनीज ट्रेडिशनल सिस्टम. देखिए ये उस टाइम की बात है जब आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन और एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये तीन या चार मेजर सिविलाइजेशन ही थी, यही थी जो कि बहुत ज्यादा इवॉल्व्ड वे ऑफ थिंकिंग लोगों को दे रही थी. देवर नो अमेरिकाज, नो ऑस्ट्रेलिया, नो यूरोप, नथिंग. तो इसीलिए उस टाइम पर उस सिविलाइजेशन में जो भी थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और इट्स अ मिक्सचर ऑफ साइंटिफिक फैक्ट एंड अ मिक्सचर ऑफ डिविनिटी, तो इसमें मिस्टिकल एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग आपको मिलेगा. तो ये इस तरीके से, तो उन्होंने क्या किया कि उसको बाद में जब वहां पर उसके न्यूमरोलॉजिस्ट ने और एस्ट्रोलॉजिस्ट ने काम किया तो उन्होंने इसको इस वाली ग्रिड का नाम दिया. तो राइट फ्रॉम 500 BC, ऑफ कोर्स देयर वर चाइनीज नंबर्स ऑन इट, बट दे स्टार्टेड नाउ इन्यूमरेटिंग इट, सो दे गिव इट द न्यूमेरिकल वैल्यू. और जब ये इंफॉर्मेशन ट्रेडर्स के थ्रू वेस्टर्न वर्ल्ड में फैली, आप देखोगे अभी हमारा इंडिया में, मैं आपको माइक ऑफ कर लीजिए, किसी को ऑन है, इंडिया में भी हमारा एक लक्ष्मी यंत्र है, अभी लक्ष्मी यंत्र से ये बहुत सिमिलर है, ठीक है. तो इंडिया के साथ भी इसका इन्फ्लुएंस था, वेस्टर्न वर्ल्ड में गया तो उन्होंने इसको ये वाला फॉर्म दिया. ओके, आफ्टर राइटिंग दिस, सो दिस इज द बैकड्रॉप ऑफ द लोशो ग्रिड. एंड इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर हियर इज दैट व्हेनेवर यू काउंट द नंबर्स, यहाँ पे आप सारे वो ले लीजिए, रोज ले लीजिए और वर्टिकल कॉलम्स ले लीजिए, हमने उसमें भी किए थे ना, थ्री नंबर्स वाले जो किए थे, वो सारे के सारे आपको टोटल करके 15 मिलेंगे, ठीक है. लोशो ग्रिड में आप कहीं से भी तीन नंबर्स की काउंटिंग करोगे, आपको टोटल जो है वो 15 मिलेगा. और 15 जो होता है वो लक्ष्मी जी का नंबर माना जाता है, एंड 15 इज नोन एज अ वेरी लकी नंबर इन द चाइनीज ट्रेडिशनल बिलीफ.